बिटकॉइन आज की तारीख में सबसे महंगी करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन दुनिया भर में एक बार फिर इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गई है। 3 साल पहले तेजी की वजह से चर्चा में आई इस क्रिप्टो करेंसी ने एक साल में लोगों को माला माल कर दिया है। फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत करीब 24 लाख रुपए चल रही है, जिसके चलते शेयर बाजार और रियल एस्टेट की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100% रिटर्न के लालच में निवेशकों ने 150 करोड़ रुपए 3 दिन के भीतर इसमें लगा दिए हैं। अकेले यूपी में ही बिटकॉइन का बाजार 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा और मुजफ्फरनगर सबसे आगे है। हालात ये हो रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर निगरानी आरबीआई से लेकर खुफिया आर्थिक एजेंसियों तक के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। देश में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार वैध नहीं है, फिर भी पिछले कुछ समय में देश में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार बढ़ा है। इसीलिए देश में कई ऐसे वेबसाइट भी मौजूद है जिनके जरिए आसानी से बिटकॉइन को खरीदा बेचा जा सकता है। एक तरह से ये एक्सचेंज के रूप में काम करते हैं और ट्रेडिंग के एवज में ग्राहकों से कमीशन लेते हैं। अभी यूनोकॉइन, जेपे, क्वाइनबॉक्स, क्वाइन सिक्योर जैसी कई साइट्स का कारोबार चल रहा है। इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जाता है। इसमें 2 व्यक्ति बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या कंपनी के जरिए लेन देन करते हैं, लेकिन बिटकॉइन की सीरीज में एक एक पैसे का लेन देन कोड से होता है, वो भी बिना पहचान बताए। बता दें, बिटकॉइन का आविष्कार 11 साल पहले जापान के इंजीनियर सतोशी ने किया था। 3 जनवरी साल 2009 में अस्तित्व में आने के बाद ये उछाल मार रहा है। बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है, इस पर किसी बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। दूसरी करेंसी की तरह इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। बिटकॉइन को आप सिर्फ ऑनलाइन वॉलेट में ही रख सकते हैं।